ब्यूटीफुल पीपल क्या बोलती पब्लिक, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर दिया लेकिन कुछ स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास और कुछ इतनी बड़ी गुफ्तगू नहीं है मेरे पास करने को। लेकिन हाँ, तो रिसेंटली सनी खान दुरानी सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूँ, पाकिस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी अपने सास मौसीकार, आप मरासी कह सकते हैं, आप रैपर कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारी समझ रहे हो ना, हमारी यहाँ पे जिस तरह बोला जाता है तो उस हिसाब से। खैर, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं सनी खान दुरानी क्या चीज़ है। और यार आज थोड़ी वियर्ड सी वीडियो है, मेरे को बनाने दो, मुझे बोलने दो, व्यूज़ उठाएँ, बोलना बंद, ठीक है ना। हम फेक रियल चीज़ों पे रिएक्शन रिएक्शन पे यकीन नहीं करते, मेरा चैनल मुझे पता ना, मेरी कॉमेडी और मेरी हरकतों की वजह से चल रहा है, नहीं तो कोई भी ना देखे मुझे। खैर, मैं रिसेंटली ये बहुत पहले बना लेना चाहता था एक्चुअली वीडियो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी और बहुत वियर्ड सा लगता है। सबसे पहले मैं गरीब हूँ, मैं लेवल का गरीब हूँ, मैं रैंडमली रिव्यू दूंगा और अपने जज्बात दूंगा जो मेरे दिल में कुछ छुपा हुआ था जो मैं चाहता था मैं बोल दूँ। तो खुदा हमारे बेसिकली मेरा मानना यह है कि खुदा हम सब के अंदर है और हम सब में मौजूद है वो, और ये मेरा मानना, तुम यकीन करो ना करो, तुम्हारा खुली आज़ादी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। तो और एक मूवी भी है ना, वो तुम लोगों ने अगर देखी हो, अगर तुम लोग नहीं मानते तो एक लूसी मूवी है अंग्रेज़ी, वो नियाज़ी अंग्रेज़ी मूवी में भी देखता है। अगर यार एक नियाज़ी कैमरे पे है, एक हसन है, तो दो बंदे हैं। तो हाँ, मूवी है लूसी, उसमें भी दिखाया गया कहीं ना कहीं वो पावर हम सब के बीच में है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ खुदा अपने साथ ही इस दुनिया में इंजॉय कर रहे हैं और उनका हक बनता है, सब कुछ उनका ही है। तो मैं मानता हूँ कि खुदा ने अपने आप को ही इंसानों के अंदर रखा है और वो अपने आप को ही खुश कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनकी दुनिया, उनकी ज़िंदगी, उनके इंसान है तो खुश कर रहे हैं। तो सनी खान दुरानी ने एक ट्रैक बनाया था मेरी जान, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, जितनी तारीफ करूँ कम है। वो एक ऐसा गाना, कहते हैं ना, मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि खुदा ने ऐसा उसके अंदर वो हुनर दिया और उसने वो हुनर मुझे नहीं पता क्या सोच के बनाया, क्या थॉट था, क्या प्रोसेस था उसका, लेकिन वो जो बन गया हुआ है और मैं उसको सुनता हूँ, मेरे, मैं ऐसी चुतिया बात नहीं करता, लेकिन मेरे रोंगटे और मेरे एहसास, मेरे जज्बात इतने खुशी में महक जाते हैं ना, मतलब मैं क्या अल्फाज, मेरे पास जेन्युइन बात है अल्फाज नहीं। मेरा दिल था कि मैं आज रिएक्ट करके आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मेरा नहीं, मेरे को समझ आई थी कि मैं किस तरह इस वीडियो को बनाऊँ ना। तो वो गाना ऐसा है कि मेरे जज्बातों में लगता है, पता नहीं क्यों, शायद खुदा ने जो उसके अंदर, वो कहते हैं ना यार, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो सारी उम्र के लिए ज़िंदा रहते हैं, सारी उम्र के लिए ज़िंदा रहते हैं, कुछ ऐसे वाक़े जैसे हो जाते हैं सारी उम्र के लिए ज़िंदा रहते हैं, उसी तरह चंद ऐसे ट्रैक्स होते हैं और हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, मतलब किसी के लिए कोई वाक्य होगा वो बहुत इज्जत, वो बहुत हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, किसी के लिए वो वाक्य नहीं होगा। तो मेरे लिए ये सनी खान दुरानी का ट्रैक जो है, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, नौजवान हूँ थोड़ा, और कहते हैं ना गर्म गर्म खून हैगा तो जज्बातियाँ, जज्बात आके मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रैक जो है सनी खान दुरानी का, वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़िंदा रहेगा, शायद, ठीक है ना, शायद। और शायद को इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत म्यूज़िक, मेरे तो भाई मैं घबरा जाऊँ, मेरा हार्ट पंप होने शुरू होता है, और एक अलग डार्क वाइब और एक खुशी मेरे चेहरे पे, पता नहीं क्यों मुझे खुशी आने शुरू होती है, और एक दुख भी दे देता है, एक कहते हैं ना वो मिक्स करके ग्राइंडर के अंदर सारा कुछ दे देना, वो वाला सीन होता। मेरे को नहीं पता कि वो क्या करके उसने बनाया, क्या इम्पैक्ट था उसका, लेकिन मेरे को एक अलग वाइब देता है। और ब्रो, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि यार शुक्रिया, जो मेन मेरा जो जिसे कहते हैं ना कंटेंट, टिकटॉक वो वाला जो कंटेंट है ना, तो वो कंटेंट यही था कि सनी खान दुरानी, शुक्रिया उस ट्रैक के लिए। वो ट्रैक मैं जब भी सुनता हूँ तो मैं सुनता ही जाता हूँ और 10-12 दफ़ा सुन लेता हूँ, और 10-12 दफ़ा जब सुन लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं मुसलसल हर दिन सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं सुनने बैठता हूँ तो मैं उसको मुसलसल सुनता हूँ, और जब मैं उसको सुन लेता हूँ तो मैं उसको गा रहा होता हूँ और अपने दिमाग मेरी जाना मैं चुप करके ना गुनगुना रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता उस ट्रैक में क्या चीज़ है, लेकिन जैसे अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम देसी लोग हैं, टटैनिक देखी है ना, टटैनिक एवरी नाइट इन माय,
वो सुना ना तुम लोगों ने, तो आई फील यू आई हियर वाला गाना। तो अब वो कहीं ना कहीं जब आप बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिल पे लगती है वो चीज़ आके ना एकदम, वो गाना वो एक जब आप सीन देख रहे होते हो वो इम्पैक्ट डालता है। और हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मैं जब भी बैठ के वो मूवी देखूँ, एक मिसाल है, तो जब वो ट्रैक लगता है तो मेरे को एक अलग वाइब में चला जाता हूँ, हमेशा उसी वाइब में जाता हूँ। उसी तरह सनी खान दुरानी का जो मेरी जान है, मैं जब भी उसको सुनता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल चौकस हो जाता है। तो कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं बाकी में जो ज़िंदगी में याद रह जाते हैं और याद रहने चाहिए भी। तो हाँ, थैंक यू सनी खान दुरानी ऐसा ट्रैक बनाने के लिए। और अगर आप में से कई लोगों ने अगर नहीं सुना तो लिंक नीचे है ब्रो, जाके सुनो। मुझे नहीं पता तुम मेरे जैसी वाइब ले पाओगे, मेरे जैसे जज्बात रख पाओगे। मैंने कहा ना, हर इंसान का अलग अलग वाइब होता है और उसका कनेक्शन हर इंसान का एहसास अलग है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन पैदा होता है या नहीं होता। लेकिन मेरा इतना, मुझे इतना वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त मेरे पे पड़ा ना कि मज़ा आ गया। तो ये रैंडम, मैं गरीब हूँ, अल्ट्रा प्रो मैक्स डबल चार्जर प्रोफेशनल मैग्नेट नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता था और बहुत देर से कहना चाहता था, लेकिन आज हिम्मत हुई। और थोड़ा वीर लग रहा होगा तुम में से कई लोगों को, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बोल देना चाहिए था ये चीज़। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। और आखिर में फिर से एक दफ़ा फिर कह दूँ, थैंक यू, शुक्रिया सनी खान दुरानी। यस कमांडो। मेरी जाना तूने न जाना, मैं तो बस तेरा हूँ, तेरा था मैं तेरा हूँ, मैं बस तेरा ही रहूँ। तेरे संग जीना चाहूँ, तेरे संग ही मरूँ। मेरी जाना तूने न जाना।